फैक्टर और बेकिंग एफिशिएंसी इंडिकेट हाउ क्लोजली एटम्स आर पैक्ड इन ए यूनिट सेल। मतलब एक एटम यूनिट सेल में, यदि हम यूनिट सेल को ड्रॉ करें तो उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कितने परसेंटेज में क्या है मेरा एटम है और कितने परसेंटेज में जगह खाली है, तो हम इससे सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो हमको ये बताता है कि ये यदि मेरा कोई यूनिट सेल है, लेट से ये मेरा कोई यूनिट सेल है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया है, कुछ बॉल्स को इसमें डाला, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपके पास कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है, उस क्यूबिकल बॉक्स में आप क्या कर रहे हो, बॉल्स को डाल रहे हो, ठीक है। तो बॉल्स डालने के बाद में क्योंकि वो स्फेरिकल शेप के हैं, तो स्फेरिकल शेप के कारण उनके बीच में क्या बचेगी, कुछ वॉइड या कुछ जगह बच जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम किसका, पूरे यूनिट सेल का, मतलब उस पूरे क्यूब का, और जो आपने कंचे डाले उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो उन वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब आप उन जो कंचे आपने डाले हैं उसको आप क्या बोल रहे हो, एटम, ठीक है। और जिसमें डाले हैं वो आपका पूरा वॉल्यूम हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी, क्लियर है। नाउ वी कम्स टू द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर द एफसीसी लैटिस, कि भैया एफसीसी लैटिस के लिए निकालना है तो कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेंगे। अच्छा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझते। तो मैं वापस एफसीसी वाले डायग्राम पे जाता हूँ, ठीक है। उससे आपको एक्चुअल में इतने इसमें एफसीसी या बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको ये क्यों निकालना है, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ मैं, समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये समझते हैं। तो देखो, ये यदि आप एक पूरा स्फेयर है, तो ये स्फेयर का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कॉर्नर पे है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये स्फेयर का 1/8 पार्ट है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। मतलब आपने उसके चार पार्ट करे और चार के फिर अगेन चार पार्ट कर दिए, तो ये एक जो ये वाला पोर्शन जिसको मैंने यहाँ पे बताया, ये पोर्शन क्या है, 1/8 ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब ये 1/8 कितने कितनी जगह दिख रहे हैं आपको, देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। तो ये और ये मिला के, ये और ये मिला के हाफ बन जाएगा, और फिर ये और ये मिला के, ये और इसके पीछे की तरफ मिला के, तो कितना हो जाएगा, हाफ। तो हर एक कॉर्नर पे 1/8 है, और इसे कितने कॉर्नर है जिसपे 1/8 है, 8। आर यू गेटिंग दिस, तो 8 कॉर्नर हैं जिसपे ये आ गया। तो सारे कॉर्नर के एटम को मिला के हमको कितना एटम मिला, 1। अब ये कितना एटम है, हाफ ये वाला, हाँ या नहीं, फिर इसके अपोजिट साइड भी हाफ होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 1, और अपोजिट साइड वाला मतलब हाफ और हाफ कितना हो गया, 1, इसमें एक और 1 ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसके ये वाला और इसके अपोजिट साइड वाला, तो ये हाफ और हाफ अगेन 1 हो गया। फिर ये ऊपर टॉप मोस्ट वाला, तो इसके बैक साइड भी होगा नीचे वाला, तो वो भी अगेन 1। तो कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो गए आपके, 4। ये समझ आया आपको कि एफसीसी की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो एफसीसी में आपके जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं बेटा, 4, ठीक है। अच्छा, बीसीसी का फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी वापस सब वही बात करेंगे अपन कि क्या सर है, टोटल 5 होंगे ना एफसीसी में? सर पांच क्यों होंगे, पांच क्यों होंगे, सेंटर के हो जाएंगे 4 और एक कॉर्नर वालों का हो जाएगा। नहीं, समझे आप। देखो, वापस से बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाते हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, फिर आपको समझ में आएगा, है ना, एक सेकंड, यस सर आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने एक एक्स्ट्रा देख लिया था। है। आ गया, देखो, यस इसको सर इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि हर एक कॉर्नर पे जो है ना, वो कॉर्नर पे 1/8 है, ना कि आप इसको हाफ समझे, ठीक यस है ना। तो 8 × 1/8 प्लस ये वाला और इसके अपोजिट वाला, हाफ और हाफ मिलके कितने हो गए, फुल। ये हाफ और इसके अपोजिट, क्योंकि फेसेस कितनी है, 6 फेसेस हैं, तो 6 के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और और एक कॉर्नर के कॉर्नर वाला बनेंगे 4, कॉर्नर का एक बनेगा, तो ठीक है ना। तो 3 और 1 मिलके कितने हो गए, 4, ठीक है ना। इसी तरह से यदि हम बीसीसी में समझे कि बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो देखते हैं, ठीक है। देखो, एक तो आपको दिख ही रहा है सेंटर में, तो कोई इशू ही नहीं है, तो इसको तो सीधा लिख दो 1, ठीक है, हाँ या नहीं, ठीक यस है। उसके बाद सर आगे बात करें, तो यहाँ पर देखो, ये अगेन अपना 1/8 पार्टी होगा,
ठीक है ना। तो ऐसे कितने कॉर्नर हैं, कितने हैं, एट एट हैं। तो ऑब्वियस 8 × 1/8 मतलब कितना आ जाएगा, सर, कितना आ जाएगा टोटल बेटा, 2 हो जाएंगे सर टोटल 2 हो। सर। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे बीसीसी में अपने, टू। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही। एटम का मतलब क्या और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, दोनों चीजें अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि वो एटम दूसरे से कितने एटम के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है वो पूरी तरह से अलग है। ठीक है, मतलब हम कितने एटम उसमें एग्जिस्ट करते हैं यूनिट सेल में, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो लेट्स सी कि हमने जो अभी कैलकुलेट किए हैं वो आ रहे हैं या नहीं, है ना। तो एक सेकंड, चलो। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भैया एफसीसी का यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे है, तो 8 × 1/8 कितने हो गए, वही मतलब 1 1 आ गया आपका। और 6 फेसेस हैं आपकी, 6 फेसेस पे कितने हैं, हाफ हाफ हैं, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम, 4। ठीक है ना, यही समझा था ना अपन ने। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है, तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, दैट इज सी। मतलब ये यदि मैं इसको ऐसा बोलूं कि ये कोई Fe और C का कॉम्बिनेशन है, मतलब आयरन और कार्बन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि ये ग्रीन वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये फेस सेंटर्ड वाले सारे एटम हैं। ठीक है, कॉर्नर एटम सी इज शेयर्ड बाय द यूनिट सेल 1, 2, 3, 4। तो देखो यहाँ पर वही बताना चाह रहा है कि जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला सी की बात करें, तो इसको देखो कितने, 4 लोगों ने शेयर किया ना, तो हाफ तो था, तो हाफ के अगेन 4 पार्ट किए, इसलिए 1/8 बोल रहा है। ठीक है, और 4 इन द फ्रंट ऑफ ईच ऑफ देम, द फेस सेंटर्ड एटम एफ। ठीक है, तो जिसका फेस सेंटर्ड है ये वाला, तो फेस सेंटर्ड को कितना, केवल हाफ शेयर किया है। ठीक है ना, इससे बताना चाह रहा है। वैसे अपने को समझ में आ ही गया, ऊपर वाले डायग्राम से ज्यादा समझ में आ रहा था। ठीक है ना, चलिए। तो अब एक चीज समझो, तो यहाँ पर जो अपन ने एपीएफ का फॉर्मूला देखा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का, तो हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालोगे आप, क्योंकि हमने एटम को कैसा एज्यूम किया है, स्फेरिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालोगे आप, कि एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 π r³, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम यही होता है ना। तो ये मेरा स्फेयर का वॉल्यूम आ गया, एक एटम का वॉल्यूम। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ एटम इतना आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियस है, यदि आपका ये आपका यूनिट सेल है, तो इसका यदि एक का साइड में बोल रहा हूँ कि ए है, और ये भी यदि मेरा ए है, और यदि ये भी मेरा ए है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए इंटू ए, मतलब ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, एन इंटू 4/3 π r³। 4/3 π r³ क्यों बोला, क्योंकि हम एटम्स को स्फेरिकल एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, हमने क्या माना है कि हमारे जो एटम हैं वो कैसे हैं, स्फेरिकल शेप, इसलिए। क्लियर है, चलिए। तो एक एफसीसी के लिए निकालते हैं अपन। तो अभी अपन ने देखा कि हमारे पास एन कितने हैं एफसीसी के लिए, 4। ये बात समझ में आ गई। तो कंसिडरिंग द एटम्स एज अ हार्ड स्फेयर ऑफ अ रेडियस आर, ठीक है ना, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारे पास जो भी एटम है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा बेटा, 4। मतलब 4 क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम उस पर्टिकुलर यूनिट, मतलब लैटिस में, मतलब किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिलते हैं। जैसे एफसीसी में अपने को 4 मिले, बीसीसी में 2 मिले। ठीक है, तो ये 4 × 4/3 π r³। क्लियर है। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है ए आर का और ए का, वो ये होता है, √2a × = 4r। अब ये कैसे आया इसको समझ लो। तो देखो आप समझो कि ये आपका था साइड ए, ये साइड था कितना, ए। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, ये वाला डायगोनल हो जाएगा आपका, वही अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो क्या हो जाएगा, √2 × a। रूट ठीक है ना, तो ये मेरा आ गया भैया पाइथागोरस थ्योरम से जो मैंने निकाला, दैट इज √2 × a। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अब इसकी इसको मैं किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रेडियस में, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, दोनों वॉल्यूम से कैंसिल हो जाए, कोई भी टर्म मेरे पास नहीं बचे, और मुझे क्या मिले, सीधा सीधा फ्रैक्शन मिले। ठीक है, तो ये है मेरा आर, फिर ये हो गया मेरा 2 आर,
और ये अगेन आर, तो आर प्लस टू आर कितना हो गया, फोर आर के, सर है 4R। ना, फोर आर के इक्वल हो गया, यस सर। ठीक है ना। तो एक चीज समझो कि ए इक्वल्स टू, यदि मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि फोर आर अपॉन रूट टू। अब आप इस फोर को क्या लिख सकते हो, अगेन टू इंटू टू, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां से इरेज करता हूँ, तो इसने इसको लिख दिया टू इंटू टू, तो एक टू तो एज इट इज, दूसरा टू को लिखा मैंने रूट टू इंटू रूट टू, क्लियर है। तो एक रूट टू से एक रूट टू के ऑब्वियस है कैंसिल हो जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो ये गया, तो ये हो गया, तो फाइनली मेरे पास ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आप देखो टू रूट टू आर। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि भैया एटॉमिक ब्रेकिंग फैक्टर, तो मेरा ये आ गया 4 × 4/3 πr³, और नीचे क्या आ गया ए का क्यूब। तो एक ही जगह आप में क्या रख दूंगा, एक ही जगह आप सीधा उठा के क्या रख दो, 2√2r³, ठीक है। तो 2√2r³, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको 0.74 मिलेगा, ठीक है। देखो करके देखते हैं अपन, तो 4 × 4/3 π, ठीक है, आर का क्यूब। तो आर का क्यूब मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली नीचे वाले ए को भी आर में ही लिखना है, तो ये मेरा आ गया आर का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का क्यूब। तो ए क्या है मेरा, 2√2, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8। √2 का क्यूब कितना हो जाएगा अगेन, तो जब आप उसका क्यूब करोगे तो स्क्वायर मतलब 2 मिलेगा आपको, ठीक है, और अगेन 1√2 मिल जाएगा, हाँ या नहीं। और आर का क्यूब समझ आया कि नहीं आया, देखो ये सर मैंने, है ना। तो ये अब इसको आप कैंसिल आउट करके जब सॉल्व करोगे, देखो ये आर क्यूब से, तो ये आर क्यूब कट ही गया, कट गया। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको 0.74 मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि मैंने जो किया है या कैलकुलेट कर किया है वो आ रहा है या नहीं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द एटॉमिक फैक्टर फॉर बीसीसी। फॉर द बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज, अगेन वी ऑलरेडी कैलकुलेट दिस, दैट इज 2, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन निकला है इसने कि √3 = √3a = 4r, ठीक है। तो ये कैसे आया, ठीक है। तो अगेन वहां पर समझो, देखो तो यहाँ पर आपके लिए ये क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस आपको √3a कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो कैसे आया होगा, इसको कोई बता सर, सकता है कैसे कैसे नहीं, बॉडी डायगोनल है ना। हाँ, मतलब जैसा आप लाया लोग सर। क्यूबॉइड के केस में निकालते होंगे ना, क्यूबॉइड के केस में डायगोनल का फॉर्मूला ही होता है, या तो डायरेक्टली वहां से निकाले, या फिर हमने क्या किया पहले इसका ये साइड और ये साइड, ये साइड से ना निकालते अपन क्या, कौन सा निकालते इसका डायगोनल, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर निकालते हैं, क्लियर है। तो ये √3a पता हो गया कैसे आया, ठीक है, यस जिनको, है ना, ठीक है। और ये देखो ये किसके इक्वल होगा, 4r के, क्यों, क्योंकि ये हो गया r और ये हो गया मेरा 2r और ये हो गया मेरा r, तो कितना हो गया 4r। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, तो यस यहां सर। से हमारा जो वैल्यू निकलेगा दैट इज a = आप ऐसा रखो, तो एक ही जगह रखोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि हमको सॉल्यूशन में जब करेंगे तो उसमें पुट करने में आसानी हो जाएगी। तो दैट इज 4r/√3, ठीक है। तो 4r/√3 की वैल्यू अपने को उठाकर एक ही जगह रखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा एपीएफ आप खुद से जरा कैलकुलेट करके देखने की कोशिश करें कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो और कैलकुलेट करके जरा मुझे बताएं, तो एपीएफ का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, या आपने अभी पढ़ भी लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको याद है, तो नहीं आया, याद है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मुझे कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखे जरा। तो एन एन कितने आपके, ये लिखा हुआ है 2, ठीक है, 4/3 कैलकुलेटर है कि नहीं है, π r³ डिवाइडेड बाय ए का क्यूब। तो ए क्यूब कितना आएगा आपका, 4 का क्यूब, ठीक है, आर, सॉरी आर स्मॉल लिख दिया, ठीक है चलेगा, आर का क्यूब और √3 का क्यूब। तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 3√3
ठीक है। तो ये थ्री से, तो ये थ्री कैंसिल हो गया, ये फोर से, ये फोर कैंसिल हो गया, तो यहाँ थ्री की जगह टू आ गया, ये आर क्यूब से, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो रूट थ्री को उठा के ऊपर लेके जाओ, यहाँ पर रखो एन की जगह टू, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताइए मुझे। या किसी ने, चलिए तो अब कैलकुलेट करिएगा आप, वैसे आपने शायद देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देखो। इधर आगे बात करते हैं अपन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है, आप उसको कैलकुलेट करिएगा बेटा, है ना, चैट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बात करते हैं अपन हेक्सागोनल यूनिट सेल में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ एटम होंगे कितने होंगे, सिक्स। अब ये सिक्स कैसे होंगे ये समझ, सॉरी ट्वेल्व, ट्वेल्व कैसे होंगे ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ट्वेल्व नहीं, सिक्स होंगे, सॉरी हेक्सागोनल एटम है तो सिक्स होंगे, सॉरी। तो ट्वेल्व क्या है, कॉर्नर पे देखो, ये और ये, ठीक है। तो कितने हो गए, सिक्स, तो सिक्स के अपोजिट सिक्स, तो ट्वेल्व कॉर्नर पे हैं और वन अपॉन सिक्स एटम वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसे शेयर बाय द सिक्स यूनिट ऑफ द यूनिट सेल। तो सिक्स, ट्वेल्व इंटू वन अपॉन सिक्स कितना हो गया, टू, क्लियर है। अब टू फेस एटम वन अपॉन टू, ठीक है। तो देखो ये वाला एक एटम है तो इसके अपोजिट अगेन दूसरे तरफ भी क्या होगा, वन अपॉन इसी तरह का होगा, ठीक है। तो टू फेस एटम कितने, वन अपॉन टू, तो कितने हो गए वो, प्लस का थ्री, ठीक है। और तीन एटम जो है इसके अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपने इसका ऊपर की तरफ देखा हो स्ट्रक्चर, नहीं समझा हो तो उससे बता देता हूं मैं कि कैसे होता है स्ट्रक्चर हेक्सागन का, ये रहा, ठीक है। तो देखो ये वाले तीनों जो एटम है ये पूरे अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है ना, तो इनका बाहर से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा अपन यहाँ पे, तो ये जो थ्री एटम है ये पूरे के पूरे कंसिडर करेंगे हम। तो हमारे पास इस तरह से हेक्सागन में कितने, सिक्स नंबर ऑफ एटम आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम पता चल गया आपको कितने बेटा है, कितने हैं बेटा, दैट इज सिक्स, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, टू आर इक्वल टू ए, ये कैसे आया, देखो यहां से आप इसको यदि देखोगे तो ये एक फेस बन रहा है, ठीक है, ये हेक्सागोन का ये साइड है, ठीक है। तो इस ए की बात कर रहा है वो, ठीक है, अभी मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल केवल कौन किसकी बात कर रहा हूँ, ये साइड की बात कर रहा हूँ। तो ये आर और ये आर मिलके क्या बना, टू आर इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए आ गया, ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है, यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो हमने प्रीवियस निकाला था उससे थोड़ा सा अलग है, कैसे अलग है ये समझ लेते हैं। सिक्स इंटू वन अपॉन टू ए इंटू एच इंटू सी, अब ये कैसे आया ये समझते हैं, ठीक है। देखो ये एक ट्राइंगल मानो, ये वाला, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे कितने ट्राइंगल हैं, छह ट्राइंगल। देखो वन, अभी मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ किसका, यूनिट सेल का, समझ गए। अभी मैं एन नंबर ऑफ एन इंटू फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब वो नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है ऐसे कितने ट्राइंगल है, छह, और छह के छह ट्राइंगल पूरे ऊपर तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा में हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हेक्सागन का मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालेंगे ये समझ लो, ठीक है। तो मैंने इस वाले एक सेकेंड, इस वाले ट्राइंगल को उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया, ये जो था ये, ठीक है, इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ रखा है, ठीक है, जिसका साइड कितना है मेरा, ए है। सर यू कैन यू सर प्लीज फिर से एक्सप्लेन करोगे आप पहली बात, मतलब ये समझा नहीं, ट्रायंगल को समझ नहीं आया, ट्रायंगल वाला। अच्छा हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है। हाँ देखो आप समझो कि आपको हेक्सागोन बनाना है, ठीक है, अभी ऊपर वाला जो सी हाइट है उस सी हाइट को भी भूल जाओ, ठीक है। तो कैसे बना पाओगे आप, तो ये एक छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, इसी तरह का ये दूसरा छोटा ट्रायंगल है जिसका बेस क्या होगा, ऑब्वियस ए ही होगा, हाँ या नहीं। एक ऐसा ट्रायंगल ये भी है, ऐसे कितने हैं, छह हैं, ठीक है। अब इन छियों ट्रायंगल को मैंने क्या किया, सी हाइट तक, इस वाली कॉर्नर को भी सी हाइट तक बढ़ा दिया, इस वाले कॉर्नर को भी सी हाइट तक बढ़ा दिया, इस वाले कॉर्नर को भी सी हाइट तक ले गया, इस वाले कॉर्नर को भी सी हाइट तक ले गया, सारे कॉर्नर को सी हाइट तक ले गया। और फिर क्या कर दिया, जैसे आप ईडी में पढ़ते थे ना हेक्सागोन, ठीक
ठीक है। तो आपने जैसे आइसोमेट्रिक व्यू वगैरह बनाया होगा, तो इस तरह का आइसोमेट्रिक व्यू आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें आपने बॉक्स मेथड देखा होगा, तो बॉक्स मेथड इसी तरह से तो बनाते हैं अपन, पहले उसको बॉक्स में रखते हैं, फिर सारी हाइट्स को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैंने यहाँ भी बनाया है, देखो। तो ये वाला ट्राइंग, ये वाला ए बी सी डी ई एफ जो है, इसको उठा के यहाँ ले आया मैं, ठीक है। इसमें से मैंने ये छोटा वाला ट्राइंगल क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया ये छोटा वाला ट्राइंगल इधर, ठीक है। अब ये साइड को मैंने क्या बोला है, ए। तो ये साइड यदि ए है और ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये साइड यदि ए है तो ये साइड भी कितनी होगी आपकी, ए। एम आई राइट? अब समझो, तो ये हाइट कितना होगा, तो ये वाला हाइट किसका हाइट है, इस वाले ट्राइंगल का हाइट है, समझ गए। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दो हाइट में यहाँ पर यूज करूंगा, एक तो एच यूज करूंगा और एक सी यूज करूंगा। तो एच हाइट किसका है, जो मैंने अंदर वाला ये छोटा सा ट्राइंगल लिया है, इस छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट, समझ गए। तो कौन सा हाइट है, ये वाले हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हाइट कौन सा बेटा, एच, क्लियर है। इसी तरह से, तो अच्छा, ये इसकी हेल्प से पहले अपन यदि इसका क्या निकालना चाहें, इसका अपन क्या निकालना चाहें कि मैं इसका एरिया निकाल लूं, एक का एरिया निकाल के 6 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पूरे हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। तो मुझे इस हेक्सागोन का एरिया निकालना है, तो मैंने एक ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ या नहीं। तो ऐसे कितने कितने हैं, 6 हैं, तो 6, क्योंकि यहाँ पर मेरे ट्राइंगल कितने बन रहे हैं बेटा, 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए 6 लिया। ये बात समझ में आई, 1/2 बेस कितना है इसका, ए है, हाइट कितनी है, एच है, ये आ गया समझ में। अब वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमने एरिया लिया, ये एरिया कितनी हाइट तक जा रहा है, सी हाइट तक जा रहा है, इसलिए हमारा क्या आ गया, सी। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहा हूं मैं, तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पर ये जो एच हाइट है, ये एच हाइट पता है क्या अपने को, नहीं पता है, ठीक है। तो उस एच हाइट को निकालने के लिए मैंने क्या किया, अगेन मुझे ए का यदि बात करूं, तो इसका सामने का ये क्या है, आ गया मेरा एच की वैल्यू, एच कैसे निकालोगे आप, ये आ गया आपका एच, ठीक है। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, वो क्या होता है, साइन। तो उससे आपने क्या निकाल लिया, उससे क्या निकाल लिया आपने, हाइट का वैल्यू, ठीक है। और ये आपका हाइट कौन सा आया, ये वाला हाइट, मतलब ये पूरे हेक्सागोन को उठा के एज इट इज ऊपर की तरफ लेकर गया, क्लियर है। तो इससे जब आपने यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला, तो दैट इज 3a² c sin 60 डिग्री, समझ आया। और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर अब निकालते हैं अपन, द फेस सेंटर्ड एटम ऑफ द थ्री लेटेस्ट मिडिल लेयर एटम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, छोड़ो इसको, ठीक है। अब यदि आप देखोगे तो जनरली टेट्राहेड्रॉन होता है, तो उसका जो c/a का रेशियो होता है, वो होता है हमेशा 1.633, ठीक है। c/a कौन सा, तो c जो है मेरा वो है हाइट, ठीक है, और a कौन सा है, ये इन दोनों के बीच का साइड, ठीक है। तो इन c/a का यदि मैं रेशियो निकालता हूं, तो कितना आता है मेरा, 1.633 फॉर आइडियल हेक्सागोन क्रिस्टल सिस्टम, आर यू गेटिंग दिस। तो केवल अपन ने क्या किया, एज यूजुअल जो हमको चाहिए था वो लिख दिया। तो 6 6 कौन सा आया, ये आपका नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 πr³, एक एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3a² sin 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, इस आर को या तो आप आर को आप ए में कन्वर्ट कर दो, या यहाँ पर क्या लिख दो, एक ए से डिवाइड, एक ए से मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ से c/a का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा, तो वो आ जाएगा आपको 1.633, ठीक है। और ये ए क्यूब और इस आर क्यूब को चेंज कर दो किसमें, या तो ए क्यूब में या आर क्यूब में, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमको मिल गया, अगेन इसका भी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना आया, 0.74। अच्छा, यदि 0.74 आ रहा है किसी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझ लो, मतलब उस पूरे
यूनिट सेल वॉल्यूम में 74% तो क्या है, एटम ने जगह घेर के रखी है, बाकी की जो जगह है मतलब बाकी कितना स्पेस बच गया अपने पास, 26, ठीक है। तो 26% जो है वो किसने, अभी भी वॉइड है, ठीक है, मतलब वो उनके बीच में कोई एटम नहीं है, क्लियर है। चलिए तो यहां तक सबको समझ में आया बेटा, कोई डाउट है क्या यस इसमें, सर, है ना। चलो आगे बात करते हैं अपन प्लेनर डेंसिटी की। तो प्लेनर डेंसिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्लेनर डेंसिटी, या आप इसको को इनशॉर्ट पीडी बोल रहा हूँ, इट रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ एटॉमिक, आप जैसे डेंसिटी निकालते हो ना वैसे ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जब आप फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ोगे या मटेरियल्स में आप जब केवल मटेरियल की डेंसिटी की बात करोगे तो वो डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कौन सी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, प्लेनर डेंसिटी की, ठीक है। और एक लीनियर डेंसिटी भी होती है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो प्लेनर डेंसिटी क्या होता है ये समझ लो। तो प्लेनर डेंसिटी रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ एटॉमिक पैकिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन, मतलब उस पर्टिकुलर प्लेन में कितने नंबर ऑफ जगह या कितने नंबर ऑफ स्पेस एटम्स ने घेर के रखा है और बाकी का एरिया कितना वाइड है, उन दोनों का रेशियो अल्टीमेटली क्या कहला रहा है, प्लेनर डेंसिटी, ठीक है। मतलब यदि आप यहाँ पर एक एग्जांपल से समझें, तो ये मैंने एक मेरा एक प्लेन ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्लेन ले रहा हूँ, दूसरे प्लेन का आपको निकालने के लिए भी बोलूंगा, ठीक है। तो प्लीज बी हियर, तो ये प्लेन ले लिया, तो देखो ये प्लेन को यदि मैं यहाँ से क्या करूं, कट करके बाहर निकाल लेता हूँ, तो कट करके जैसे ही मैंने यहाँ पे बाहर निकाला तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो ब्लैक कलर वाली जो लाइन है, इसके अंदर वाला जो है ये सब कुछ, ये वाला मेरा प्लेन हो गया, ठीक है। और ये प्लेन की ये वाली हाइट है, तो ये वाली हाइट को हम क्या बोलते हैं, सारी हाइट को ए, मतलब सारी साइड को ए ही बोलते हैं। तो ये वाली हाइट कितनी हो गई हमारी, ए। और ये इसका डायगोनल है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, हाँ या नहीं, अब समझो। तो कितनी जगह एटम्स ने ऑक्यूपाई की है और कितना स्पेस हमारे पास ब्लैंक है, ये समझते हैं, ठीक है। मतलब कितनी डेंसिटी आ रही है बाय दिस एटम। तो देखो ये यदि मैं इसको एक पूरा सर्कल मानूं, तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट यहां तक ऑक्यूपाई हुआ, ये 1/4 पार्ट इधर ऑक्यूपाई हुआ, ये 1/4 पार्ट इधर ऑक्यूपाई हुआ, ये 1/4 पार्ट इधर ऑक्यूपाई हुआ, क्लियर है। उसके बाद ये हाफ और उसके बाद ये हाफ, समझ गए, ठीक है। तो अब यदि मैं एरिया ऑफ प्लेन निकालूं, तो एरिया ऑफ प्लेन क्या होगा आपका, पहले तो ये मुझे बता दो, a √2 into a, एम आई राइट। और अब इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं ये गिन लेते हैं, तो नंबर ऑफ एटम गिनो, देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 कितने हो गए, 1 1/2 1/2, तो कितने हो गए, 2 2, क्लियर है। 2 तो नंबर ऑफ एटम ऑन अ प्लेन कितने हो गए बेटा, 2। एरिया कितना है प्लेन का, a √2 into a, क्लियर है। तो ये √2 को हमने √2 into √2 लिखा, तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेनर डेंसिटी फॉर दिस प्लेन 110 के लिए √2/a², ये समझ आया आपको, ठीक है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेनर डेंसिटी, अब ये 111 प्लेन के लिए बोल रहा है, तो 111 वाला प्लेन कौन सा है पहले ये समझ लो। तो 111 वाला प्लेन हमारा ये रहा, ठीक है। इस वाले प्लेन पे हमको क्या निकालना है, प्लेनर डेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, समझो। तो देखो ये जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन अल्टीमेटली आपका प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन में कितनी जगह एटम्स ने ऑक्यूपाई की है और कितने नंबर ऑफ एटम है, पहले ये निकाल, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते कि नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, तो ये समझते, ठीक है। तो देखो ये यदि मैं इतने एटम की बात करूं, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये कॉर्नर कॉर्नर वाले, ठीक है ना। तो ये एटम कितने बेटा, 3 है, एम आई राइट, ठीक है। तो 3 एटम दिख रहे हैं आपको जो इस तरह का कुछ सरफेस से जुड़े हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, तो हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द लेटेस्ट देयर आर 2 एटम्स, तो 1/6 into 1/3 कॉर्नर एटम्स,
ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे ये, क्योंकि 1/6 पार्ट को ही ओ लेगा। देखो यदि आप इसको समझो तो यहाँ पर ये वाला एटम कितने को, 1/6 को ले रहा है इधर, यहाँ पर ये 1/6 को ले रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 फेसेस पे जा रहे हैं अपन, इसलिए 1/6 की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 1/6 कहाँ पर, 3 कॉर्नर पे, और 1/2 कितने पे, 3 साइड पे। देखो ये है एक साइड पे आधा, दूसरी साइड पे आधा, और तीसरी साइड पे आधा, ठीक है। तो कितने होगा ये, 1/2 × 3, तो कितने हो गए, 3/2, क्लियर है। और यहाँ पर कितना मिला अपने को, 3/6, तो ये मिला हाफ, तो हाफ और 1/3 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर भी कितने एटम है बेटा आपके, 2। नंबर ऑफ एटम निकाल लिए, अब अपन निकालते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। देखो तो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड लगभग इक्वली है, तो यदि ये √2 है, ठीक है, तो ये पहले हमको हाइट निकालना पड़ेगी ये वाली, ठीक है, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ये हाइट निकाल देंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1/2, बेस कितना आ जाएगा, वही √2 × a। हाइट कितनी होगी बेटा इसकी, हाइट आप निकाल सकते हो √2 a/ इसका 2 कर दोगे, और यहां से a/2 है ना, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका √2 a/√3/2। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आया, 4/√3 a² एंड दिस इज हायर देन 110 एंड एनी अदर प्लेन। तो ये सबसे ज्यादा होती है, मतलब बाकी प्लेन से कंपेरिजन बात करें तो, देयर फोर 111 प्लेन आर मोस्ट डेंस पैक्ड प्लेन इन द एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा डेंस्ड मिलता है अपने को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर डेंसिटी की। तो लीनियर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट लेंथ ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि उस पर्टिकुलर लाइन में कितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन द डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर मतलब ये समझो कि यदि ये मैंने ये वाली साइड एज को पकड़ा, तो इस एज पे कितने नंबर ऑफ एटम है, वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और उसका लंबाई कितना है। तो एटम ने कुछ जगह घेरी होगी, लेट से कि इतनी एटम ने इतनी जगह घेरी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि केवल ये वाला जो जगह, इतना स्पेस और इतना स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई किया, बाकी पूरा नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ एटम ऑन द डायरेक्शन वेक्टर टू द लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन इन द एफसीसी लैटिस हैव 2 एटम्स, ठीक है। तो देखो एफसीसी में बता ही देता हूं मैं यहाँ पे, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूं। तो चलिए, तो देखो कितने एटम है पहले ये समझ लेते हैं, कौन से की बात कर रहा है, 110 प्लेन की। तो 110 प्लेन कौन सा है अपना, ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो देखो ये वाले प्लेन को ही उठा के, मतलब ये वाला प्लेन जो है ना, इस वाले प्लेन को उठा के कहाँ पे, इधर लेकर आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, तो देखो ये डायरेक्शन में अपने को निकालना है, लेट्स से कि ये डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ इस डायरेक्शन में कि कितना इसका लीनियर डेंसिटी होगा, ठीक है। तो ये मेरा इसका सेंटर हो गया एटम का, ये हो गया इस सेंटर का एटम, ठीक है। तो पहले लेंथ कितना है आपका, लेंथ पहले चेक कर लो। तो लेंथ की यदि मैं बात करूं कि इसका एक साइड है ए और इसका एक साइड है ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √2 a, तो लेंथ हो गया मेरा √2 a, क्लियर है। एटम ने कितनी जगह घेरी, तो नंबर ऑफ एटम कितने इसमें लाई करते हैं वो गिनना है अपने को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कितने लाई करते हैं, हाफ एटम, सर हाफ 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 एटम, एक हो गया और सर एक हो गया पूरा। तो 2 एटम आ गए अपने, तो 2/√2 यस a, तो √2/a आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट डेंस पैक्ड इन द एफसीसी लैटिस। अच्छा एक काम कर रहे हैं अभी हम, कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि ये वाली जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे कितना लीनियर डेंसिटी होगा, तो कौन बताएगा, बता सकते हैं क्या आप, कि ये वाले लाइन पे केवल इस वाली में, ठीक है ना, मैं डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस वाले पे कितने होगा। सर तो 1/2 √2 है, वन नंबर ऑफ एटम कितने है बेटा, पहले तो ये गिन लो, हाफ और हाफ मतलब 1 है ना, ठीक है। और साइड कितना है, साइड अपना ए ही है, तो 1/ सर ए ए हो, होगा। 1/ए, समझ जी गए सर बात को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारे जो भी पोजीशन है, तो वहां पर आप लीनियर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं हर एक प्लेन पे, और
लीनियर डेंसिटी और प्लेनर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम, हेलो सर, हाँ जी बेटा, सर ये लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर एक बार बता दें। लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर मतलब किसी भी एक साइड को पकड़ लो आप, ठीक है। जैसे मैंने ये, हमारा ये था, ये मैंने रेफरेंस मान लिया, मतलब रेफरेंस मतलब मैं जहां से मैं शुरू करना चाहता हूँ। अब यहाँ से आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, या इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो यदि मैं इस डायरेक्शन में गया तो मेरा लीनियर डेंसिटी ये आ गया, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में गया तो अभी हमने निकाला 1/n। मैं यदि यहाँ से उठ के इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो कुछ और आएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाऊंगा ओहो तो, समझ आया? मतलब यहाँ से किस वो डायरेक्शन सर में आ मैं गया। जा रहा हूँ उसको हम उसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं, कि नंबर ऑफ एटम इन द डायरेक्शन वेक्टर। अब हम बात करते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर की, तो FCC है तो देख ही लिया अपन ने अभी। एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आर मोस्ट हाईली पैक्ड एंड जिसकी पैकेज एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 74%। सच स्ट्रक्चर्स कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ द क्लोज पैक एटॉमिक प्लेन्स। तो इन FCC में यदि 111 प्लेन बोले तो वो सबसे ज्यादा क्लोज पैक प्लेन है, और इसी को हम बेसल प्लेन्स भी बोलते हैं, मतलब जिसमें वो बेस बनता है, ठीक है ना, मतलब जिसके ऊपर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है उसको बेसल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। इज द क्लोज पैक्ड इन वन इन द हेक्सागोनल प्लेन, तो क्लोज पैक में ये होता है, ठीक है, मतलब हेक्सागोनल में ये वाला होता है। देयरफॉर बोथ दिस स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग ऑफ दिस प्लेन्स, अ पोर्शन ऑफ सच स्टैक कैन बी शोन इन द पिक्चर बिलो। देखो ये सबसे पहले स्टैकिंग का मतलब आप ऐसा समझो कि एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा एटम मतलब कैसे अरेंज है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ए नंबर के एटम सबसे बॉटम मोस्ट में है, ठीक है, बी नंबर के एटम उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर सी नंबर के एटम उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस की यदि मैं बात करूँ तो पहले ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेकिंग सीक्वेंस। बोथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टेकिंग ऑफ दिस प्लेन। प्लेन मतलब आपने, यदि आप ऐसा समझो कि आपके घर में कोई अलमेरा है, ठीक है, तो अलमेरा में जो भी आपने बुक्स अरेंज की है, तो लेट से आप बोलो कि सबसे बड़ी बुक को मैंने ऊपर रखा है, फिर उसके ऊपर छोटी बुक, फिर उसके ऊपर छोटी बुक, तो आप एक प्लेन मान लो जिस पर ये एटम्स क्या हैं, अरेंज्ड हैं। तो ए टाइप के एटम सबसे बॉटम मोस्ट में अरेंज है, उसके ऊपर बी टाइप के एटम, आपको ये कुछ डार्क सर्कल जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके ऊपर ये बी टाइप के एटम्स कुछ अरेंज हैं ये वाले, उसके ऊपर सी टाइप के एटम्स मतलब अरेंज हो जाएंगे, क्लियर है, मतलब सी टाइप के स्टैकिंग बन जाएगा। एक मिनट बता रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ पर एनिमेशन गायब हो गया एक्चुअल में, इसमें इसलिए दिख नहीं रहा आपको। तो क्लोज पैक प्लेन स्ट्रक्चर की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स बिटवीन द एटम्स एंड वर्टेक्स। तो देखो ये जो गैप है वहां पर, वो मैं वो क्या बोल रहा था, उसको बोल रहा था उसके एटम रखे हुए हैं, पर यहाँ पर समझो तो ये एक गैप, ये वाला है, कौन सा वाला गैप, बी वाला, तो इसके ऊपर मैं एक एटम उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, फिर यहाँ पे एक दूसरा एटम रख सकता हूँ, इस तरह से ऐसा पूरा एक सिक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर जब मैं अगला सिक्वेंस बनाऊंगा, एक सेकंड है ना, मैं पहले बना देता हूँ, फिर अगला जब सीक्वेंस बनाऊंगा तो मैं जमाऊंगा इसके ऊपर, फिर जमाऊंगा मैं इसके ऊपर, सी जहां जहां दिख रहे हैं वहां पे जमते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो ए के ऊपर बी और बी के ऊपर सी, तो ये मेरा ए जो है वो आप इसको मानो कि प्लेन है, बी जो है वो उसके सारे सेंटर्स को, यदि मैं सारे एटम्स के सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो वो एक प्लेन बन गया, उसके बाद दूसरा एक प्लेन बन गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स अप जो है बी है और वर्टेक्स डाउन जो है वो सी है, क्लियर है। द एटम्स इन द, तो यहाँ पर ये एनिमेशन आपको नहीं दिख रहा है चल, मैं ये मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में खोला है तो यहाँ पे इसका एनिमेशन नहीं दिखता है, ठीक है। इन FCC एटम्स इन द थर्ड लेयर सिट डाउन देयर सी साइड्स एंड दिस रिपीट्स गिवन द ABC, मतलब पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझो कि ए टाइप के एटम्स का कोई प्लेन है, फिर उसके ऊपर बी टाइप के एटम का कोई प्लेन है, फिर सी टाइप के एटम का कोई प्लेन है, ठीक है। तो इस तरह से वो अरेंज होता है, ठीक है। मैं इसको कल आपको बता दूंगा एनिमेशन के साथ, हाँ ये आपको शायद समझ में आ जाएगा आपको। तो SCP की यदि मैं बात करूँ, देखो तो SCP में ये आपका एक प्लेन हो गया ए, फिर उसके बाद आ गया बी, फिर अगेन आ गया ए, फिर अगेन आएगा बी, फिर अगेन आएगा ए, तो ऐसा सीक्वेंस में क्या है वो अरेंज है। तो ये जो मैंने स्टैकिंग सीक्वेंस आपको बताया ABC ABC किसमें था, FCC में। तो यदि आपसे कोई भी कहीं भी पर भी पूछता है कि भाई FCC के लिए जो स्टैकिंग सीक्वेंस है वो कौन सा होता है, ABC ABC ABC, ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। उसके प्लेन्स
नंबर ऑफ एटम्स के प्लेन, लेकिन मैं इसकी बात करूं किसकी, एससीपी की, तो वो किस उसमें केवल दो ही प्लेन है। देखो एक प्लेन इस तरह का होता है, फिर अगला प्लेन, फिर अगेन ये यही का यही ये वाला प्लेन अगेन रिपीट हो गया, तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ए। फिर अगेन इसके बाद कौन सा प्लेन रिपीट होगा, ये वाला। फिर अगेन इसके बाद कौन सा प्लेन रिपीट होगा, ये वाला। समझ गए? तो इस तरह से वो पूरा रिपीटेशन चलता रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेकिंग्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इससे ही हम क्या बता सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कोरिलेशन। अच्छा चलो, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले, है ना, और इसके बाद अपन स्ट्रक्चर को इसको लगभग फिनिश कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम उसमें डिसलोकेशंस पे जाएंगे, डिसलोकेशन डेंसिटी वगैरह पे। ठीक है, अच्छा एक मिनट में पहले रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ।